हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, क्या हमारे जीवन में संतान का सुख नहीं है? क्या हम संतान से वंचित होकर ही मर जाएंगे? नहीं राजन, एक यज्ञ की अनुकंपा से संतान की प्राप्ति हो सकती है। फिर विलंब किस लिए गुरुदेव? विलंब समय का दोष है महारानी, किंतु अब वो समय आ गया है महारानी। पूर्णिमा के दिन महायज्ञ का अनुष्ठान किया जाएगा। साधना उस जगह होगी जहां एकदम एकांत हो। जो आज्ञा गुरुदेव। स्वाहा 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 हिंग क्लिंग चामुंडा विच स्वाहा स्वाहा। ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। महाराज, आपको मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। गुरुदेव, गुरुदेव, अनर्थ हो गया गुरुदेव। आपका दुर्भाग्य मेरे आशीर्वाद से कहीं ज्यादा जटिल है राजन। शायद इसके आगे कुछ भी मेरे वश में नहीं। ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही बेहतर है। ठहरो पुत्र। एक मृत पुत्र का पिता हूं माता। क्या कष्ट है पुत्र, माँ अपने पुत्रों को जीवन प्रदान करती है, मृत्यु नहीं। एक बार जाके देखो तो सही कि तुम्हारा पुत्र जीवित है या मृत। यदि वो जीवित हो तो उसे छठी माँ का आशीर्वाद समझ के स्वीकार कर लेना। जो आज्ञा माता।
ओ महाराज, चमत्कार हो गया महाराज, आपका पुत्र जीवित है। जिसका आकार ही विशाल हो उसके चमत्कार को नमस्कार। जय छठी मैया, जय छठी मैया। कलयुग में किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए छठी माई का व्रत सबसे ज्यादा लाभप्रद है, जिससे राजा प्रियवंत को पुत्र की प्राप्ति हुई। जो निसंतान है वो संतान की प्राप्ति के लिए छठी मैया की पूजा करते हैं। पंडित जी, अगर हमार पत्नी भी व्रत करस्ता का हमने के भी संतान? व्रत कीजिए, बाकी माँ की इच्छा। बाबूजी, सोचा तानी रिलायंस वा खरीद ली का? पहले जंगिया के नाड़ा बानल सीख ला बेटा, ओकरे बाद रिलायंस खरीद लिया। कसम पटी तारे के, हम डरेनी ना है। ए बाबू, हाई दुतिया में से पानी चुबता। पकलोल कहीं के, ये पानी ना है। ये तो तोर माई के प्यार है प्यार। बड़ा जंदार खबर लेके आए बानी। करे पहले पैसा दी उकरा बादे बताई। बोलबे की रख ली। राउर भाई भोजाई संतान प्राप्ति करे खातिर छठ माई के व्रत करे वाला बालो। उस सब बकलोल हमें का? हमरे कुल खानदान में सिर्फ हमरे कुल देवता के पूजा होखेला। और उन्हन के करे द कुल देवता संतान के जगह कुछ और दे दे। कहीं संतान पैदा हो गए तब उनकर संतान के सुख के हम संताप में बदल दिया। बोटी बोटी काट के गंगा मैया में धारा प्रवाह। पहले पैसवा ता दे दी। ए बेटा, ये पैसा निकाले के कहले रले देवे के ना। चल माई। हे कुल देवता, इकरा के उठा ली, इकरा से ज्यादा पूजा करब। लक्ष्मी जी, आंसू बहवला से अगर समस्या के निदान हो जाए तो हमऊ रोलती तारा साथ है। अब हमरा लोग के ताना नहीं खे सहज जी। जब लोग हमके बांझिन कहला तो ऐसन बुझाला कि जहर खा के मर जाई या फसरी लगा ली। 13 साल हो गए बा हमने के बिना बच्चा के। सब ठीक हो जाए। मंदिर गई रानी, पंडित जी कहनिया कि छठ मैया के पूजा कैला से सब मनोकामना पूरा हुई। यही से हम सोचनी है कि ए बेरी छठ मैया के पूजा जरूर कैल जाए। जरूर करब जी। नारायण नारायण। लोग छठी माता का व्रत करके आपके भक्त आपका अपमान कर रहे हैं कुल देवता। नारायण नारायण। मान अपमान तो बाद में नाराज जी, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या ब्रह्मा जी का लिखा हुआ छठी माता मिटा पाएंगी। क्या कुल देवता? उस भक्त के भाग्य में संतान तो है पर एक मार्किस के तहत उसकी अकाल मृत्यु है। अगर छठी मैया उसको बचा पाएंगी तो मैं भी उनका अनुसरण करूंगा। नारायण नारायण।
भगवान एगो चीज और छोड़ गए। अब बताई चलिए उठाई। उठाओ। अरे चचा देखिए मैं कुछ बा का गंदा कहाँ कुछ चुबा सब ठीक तो बा ठीक तो बा कैसे हो गई भाई। अरे ए कुड़े सर गेट खोला। अरे 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 का भाई बाऊजी के अरे ए भगवान बाऊजी के ठीक कर दिया। ए भगवान हमके उठा ला लेकिन भौजाई के ठीक करता हमरे।
भगवान बचा ली चाची के। अरे 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 ए चल अपन गाड़ी निकाल। चला चला हमरियों के चल जाओ। डॉक्टर साहब बधाई हो विश्वनाथ बाबू, आप पिता बनने वाले हैं। आप मिल सकते हैं। धन्यवाद। कलयुग में किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए छठी माई का व्रत सबसे ज्यादा लाभप्रद है। जय हो छठी मैया, सब रहुए कृपा से भइल बा। जय हो। जय हो छठी मैया, जय हो छठी मैया। अरे जय हो हमार भैया, अब तू बाप बन जइबा, हम चाचा बन जाइब। कसम पटीदारे के भैया, हम जाके तुरंत मिठाई लेके आवत हई और पूरा गांव में बटवा देत हई। चल रहे। हाँ, चला मिठाई लेके आवत हई। चला ना। अरे बाप रे, तारा माई के का तोहर माई के चरण स्पर्श और का, हम घर यहीं थोड़े ना हई। पटीदार ला मिठाई बाटे चल देला। ए बेटा, तोहर भाई पैदा ना होके वाला बाकी मिठाई बाटब। इ हाथी के दांत हो, दिखावे के कुछ और खाए के कुछ और होला। कसम पटीदारे के हे रगरा मत ना, तो दतवा तोड़ के ऐसा जगह डाल देब ना, ना खाए लाग बजबा ना दिखावे लाग बजबा। चला मर जाई का। हे भगवान, ई के भेज देला। उठा ला भगवान। केकरा के? तोरा के। मतलब जो लड़का पैदा होके वाला बा ओकरा के उठा ला। अब तू तो हमके उठाइबा तब्बे उठबा। चल। नारायण नारायण। प्रभु, अभी बच्चा जन्म भी नहीं लिया और लोग उसे मारने के लिए सोचने लगे। नारद जी, विधि के विधान को टाल कैसे सकते हैं? अभी तो ये शुरुआत है, देखते हैं छठी मैया उस बच्चे को कैसे बचा पाती है। नारायण नारायण।
कूड़े सर, कोनो दिमाग लगाओ, क्यों लड़का मरी कैसे? शराब पिया के। शराब पिया के? सबास, 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 सबास सर। अरे पखलोल, वो लड़का दूध पिए वाला बा, वो किस शराब पिए ही बे? अगर वो लड़का ना मरल ना तरवो के शराब के साथ जहर पिए के पड़े। अरे भाग्यवान, तू रिसियात का है हुआ? आज या तो लड़का मरी या तो हम मर जाए, नहीं तो हमार जूता तोहार सर। का? तोहार जूता हमार सर। एक उड़े सर, तू जो बेटा आज हमरे इज्जत के बात पा, वो लड़का जिंदा ना बचे। सबास, सेन, चीता, हमार बेटा हवे, जाओ बेटा, जाओ। ठीक है बाबू, जाओ। प्रणाम, जय कुलदेवता। अरे हटी उन्हें। एकदम बकलोले पैदा भइल बा। जय कुल देवता के। कहाँ गई? लक्ष्मी, लक्ष्मी, मार पे लड़कवा के छोड़ देले बाड़ू, अकेले ना छोड़ के चाहिए तहरा। रुकी, हम ले लेता। देखा, उठाओ ता। बबुआ, आ रहा है सब, ले चला, आवा, चला चला। Ugh.
ये का कैलस रे? कुछ न मालिक। अच्छा अब ही बताओ तनी। तुम मुंह देला गलती से मुंह देला हमरे ऊपर मुंह देला तहार मुंह हमरा मुंह में चल गई बतावा और मुंह बतू काट पकड़ के तोड़ डाल एकर मुंह हमार मुंह में घुस गई बतावा ये लाठी तू से देख ठीक से काम कर। हाँ बाबू इका हो जहर पी के मरे जाता नहीं। जहर पी के मरे जाता नहीं का है? मूत पियला से बढ़िया बात जहर पी के मर जाएंगे। मतलब ससुरा मरे खरी तोरा ये जगह बा मर के हम के फसेबे? ऐजा मरब तबे ना तू जेबा जेल। तू ही ना भजले राला जहर देवे खातिर लेकवा के हम पुलिस के सूचना दे के आल रही। पुलिस चौकी में सूचना दे के आयल मानी। सूचना तू ही ना बिजले राला लाइकवा के मारे बदे। ए बाबू ते हमारो बेटा होवे ना। हां थूक दा गुस्सा थूक दा। जैसन भी हवे ना तू हमार बेटा हवे। ते मोर जइबे त इतना जायदाद के मालिक के रही हम ते राजा हवे। हां राजा इस सारा हाँ। संपत्ति के मालिक। तू हमार बेटा हवे ना। हां एके फेंक दा। फेंक दा तू एके पी जा हम पी ली। हां ठीक ई फेंक दी। चला 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 पता ना कौन है नक्षत्र में पैदा भइल रहला भगवान। का भैया कहाँ हो? अरे तनी बबुआ के तबीयत नाजुक लागा था डॉक्टर के देखा क्या होता नहीं बैठा। डॉक्टर के पास जा वो भी हमरा रहते तू बबुआ के लेके कैसे जाए? हम तोहर सब परिवार की ऊपर भेजे के इंतजाम कर ले। कसम पटीदारी के आज तानी लोग खत्म। उनके देखा क्या करता हुआ ना धोती खोल के। ए बेटा कसम पटीदारे के पूरे परिवार के एक साथ मरले के प्लानिंग रहे। टेन टेन उनके परिवार के मारे के प्लान रहा कि अपने परिवार के मारे के प्लान रहा? कसम पटीदारे के उन्हें के। ए बेटा नहीं ना दे धोती तो के। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। गोड़ छुआ आयुष्मान बाबा। अच्छा चला था। हाँ चलिए।
पुत्री मैया प्रणाम माते आप हाँ पुत्री अपने पुत्र को एक संस्कार अवश्य देना कि वो हर किसी का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद को प्राप्त करे जी माते जैसी आपकी आज्ञा हो माते आयुष्मान भव भैया का भैलो ठीक बाड़ू ना छठी माई के सपना में देखनी हा का? माई कहत रहनी हा कि विजय के सब बड़ बुजुर्ग के पांव छू के आशीर्वाद लेवे के चाहिए ऐसे बड़ बात का हो सकेला जय छठी मैया जय छठी मैया चाचा जी पानी देखा बबुआ हमार बात ध्यान से सुना आज के बाद ताके जे भी बड़ बुजुर्ग मिले उनके चरण छू के आशीर्वाद लिया जी बाबूजी पर ऐसे का हो वेला अरे बेटवा बड़ बुजुर्ग के पांव छू के आशीर्वाद लेला से संस्कार और ज्ञान बढ़ेला तू भी तो संस्कारी हवा ना बेटा हाँ जा बड़ बुजुर्ग सही है कहले बा दवा से ज्यादा दुआ में असर होता है चाचा जी एगो काम बा हम निपटा के आवता नहीं हाँ जा आज के बाद आके जे भी बड़ बुजुर्ग मिले उनके चरण छू के आशीर्वाद ले जी बाबूजी के चाचा पांव छुए खातिर कहत रहले हम तो तोरा बचपने से सिखावत रहली आज तक तू सिखले पांव छुअल बकलो ओल कहीं के हे बाबू तू देखा बिजैया ए ए बिजैया इने आओ हां इने आओ का रे ससुर हैं तो के कितना बार समझैनी समझ में नहीं खे आवेला हैं बचाओ के बोलैनी तू सुन ना बाबेला हैं हमार गोड़ छूता प्रणाम चाचा जी अरे का हो गेल बाबूजी का हो गए तो के ए कुड़सना अरे हमार गोड़वा सही हो गईल अरे ई तो कमाल हो गईल जी ये सब हमार पुण्य प्रताप के फायदा है अब हम कूद सकीले जय हो कुल देवता जय हो कुल देवता जय हो सबस ए हमार गोर छोला अब हमरे बेटा के गोर छू गोड़ा के कर चल छू प्रणाम घोड़े सर भैया अरे
गया वो तका। अरे बाप रे, अरे अरे केहू तो उठावा। हे बाबू, तोहार गोड़ छूलत से तोहार सही हो गए। अमार छूलत से तोहार टेढ़ा हो गई। टेढ़ा हो गई लागे था कोनो जादू मंत्र जाना था। अरे का जादू करी। ए, ए बकलोलवा, अरे उठ 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 उठ। बकलोल कही के इतना बड़ हो गई ले बकलोल, छोट लइका के मोर छुअत बाड़े। अरे बाबू सही हो गए देखा, हाँ देखा, अरे हाँ देखा, देखा सही हो गई, सही हो गई, अरे ठीक हो गई। बक 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 बक। आई विश्वनाथ जी, प्रणाम, का हाल खबर? जी प्रणाम, ठीक बा। अच्छा अच्छा, आयुष्मान भवन, बाल बच्चा सब ठीक है ना? सब बढ़िया। चला ठीक चला। यह अपन गांव के सती माई के मंदिर। प्रणाम पंडित जी। दीर्घायु भव। कौवा उड़, कौवा उड़, ना उड़। तू अच्छा ठीक बा, देखा तू उड़ेला, हाथ आगे करा, चला करा, ऊपर करा। दीर्घायु। नारायण नारायण, ये कैसी लीला है प्रभु? या तो साधु का आशीर्वाद असफल होगा, नहीं तो अगर उसका अकाल मृत्यु होना है तो दीर्घायु कैसे हो सकता है? वो मुनि कश्यप शिव जी के उपासक हैं, जीवन और मृत्यु शिव शंकर की दासी हैं, और शिव जी की इच्छा के आगे आदि और अंत का चर्चा करना ही व्यर्थ है। नारायण नारायण। बबुआ जी। बाबूजी, तहार पढ़ाई लिखाई ठीक से चलत बा ना? हाँ बाबूजी, ठीक से चलत बा। अच्छा बाबू, घरे चले गए? हाँ ठीक बा बाबूजी, वैसे भी माँ इंतजार करत हुई हैं। काफी समय से हमनी के बाहर बानी जा। चली। और पढ़ाई कैसे चलता बेटा? बढ़िया चलता बाबूजी। ए बेरी लगा था कि अच्छा रिजल्ट आई, कहे से कि मेहनत इतना भइल बा कि 95% तो आवे के चाहिए। हमरा विश्वास बा बेटा तोहरा ऊपर, दिल लगा के पढ़ा। जी बाबूजी। अगर तोहरा के ऑफिसर बनावे में जरूरत पड़ी ना तो घर बंगला सब बेच दे। अरे अरे ओकर कोनो जरूरत ना पड़ी, हमार बेटा कंपटीशन निकाल के अफसर बनी। का भइल बेटा? बेटा बेटा का भइल बेटा? खून निकला था देखी। गाड़ी का दरवाजा खोल, आराम से जल्दी करी, चल। हे भगवान, जल्दी करी जी। जी हमारे बेटे के कुछ ना हो ना, सब ठीक हो जाए बेटा, सब ठीक हो जाए। ए बेटा कुछ ना हो, सब ठीक हो जाए। हम माने ना, सब ठीक हो जाए। लक्ष्मी तू चिंता मत करा। डॉक्टर साहब, आपके बेटे की दोनों किडनी फेल हो चुकी है, उसे बदलना होगा, नहीं तो उसकी मृत्यु निश्चित है। हम
हमार किडनी ले ली। डॉक्टर साहब चाहे तो हमार किडनी ले ली लेकिन हमार बच्चा के बचा ली। हम देव अपन किडनी अपन भाई खातिर। किडनी वही दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप मैच होगा। चलिए आप लोग चलकर अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा लीजिए। चलिए काम चोरी के हद हो गई बा, ले चलो ओकरा के। पूछ काहे मरनी हा? का भइल हा? किडनी देवे के ठेका तू ही ले रहला है? किडनी दी उकरा के जान से मारे ला। पूछा कैसे? कैसे? ऑपरेशन के दिन हम भाग जाई और जब केहू की किडनी ओके मिलबे ना करी तब तो ओकर मौत निश्चित हो। मतलब बिजिया किडनी के बिना मर जाई? हाँ। एक काम कर। हाँ बाबू। हमरा के मारता? ना। अरे मार ना। ना तो हमार बाबूजी हुआ मरबे की। कसम पटीदारी की आज पहली बार मार खाके खुशी भइल हा और हम गर्व से कह सकीले कि हमर बेटा के बुद्धि घुटना में ना ओकर खोपड़ी में बा। क्या रिपोर्ट है उनके ब्लड ग्रुप का? सर तीनों आदमी में से कुड़ेसर का ब्लड ग्रुप सेम है। एक काम करो। हाँ? उन लोगों से जाकर कह दो कुड़ेसर का ही किडनी लाएगा। ठीक है सर। वार्ड नंबर 25 का क्या हुआ? वार्ड नंबर 8 में जो पेशेंट है पहले जाकर आप उसको देखिए। ठीक, मैं रिपोर्ट चेक करके आता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या हुआ? कुड़ेसर अभी तक नहीं आया? कुड़ेसर नहीं क्या है? हाँ जी कुड़ेसर नहीं खे आई लभी ले। हम जाके मत कीजिए, जल्दी जाकर कुड़ेसर को लेकर आइए। पहले ही बोला था। सैया जी दिलवा मांगे ले। ए बाबू, ए बाबू, बाबू, बाबू जी, ए बाबू। हां बहन रे। अरे चाचा खोजत बाड़ी किडनी निकाले खातिर। अरे तो भाग यहां से जल्दी। जो जल्दी हो कुड़ेसर केने बा? ए बौबंस कुड़ेसर केने बा? कुड़ेसर कौन? अरे तोर बेटा। हमार बेटा उता उता पता नहीं कहां भाग गेल बा। अरे अभी तो देखनी है ने भाग के आई। अरे ना ना हम ना देखनी है। नहीं बाबू कैल गईल। खाए के 4 किलो बोले में 4 घंटा। गईल गईल। ए बाबू उजाला कुड़सरा के देखले हो? ना चाचा जी हम ना देखनी है। कहाँ चल गेल ससुरा? ए समीम बेटा कुड़सरा के देखला हो? ना ना हम ना देखनी है। कहाँ जो ही होकर कुड़सर चाचा ए तोरे के खोजे तनी ससुरा रे कुड़सरा। अरे काहे भगाओ तड़े रे? भागत कहाँ बड़े रे? अरे डॉक्टर लोग तो इंतजार कर रहे हैं। बबुआ की तबीयत कितना खराब है तोरा नहीं बुझा। रे रुक रे रे कूड़े सरा इधर भागत आनी। अरे कहाँ गए? इन्हें तो रोहल हो कूड़े सरा। चाचा जी सर
कुड़ेसरो। कुड़ेसर? ए नरेश, कुड़ेसरा लोकल हो? अरे नहीं लोकल, पता नहीं कहाँ चल गई। अरे ससुरा कहाँ चल गई? कुड़ेसर, कुड़ेसरा, कुड़ेसर। ए नरेश, ए चिंता मत करो, मिल गए कुड़ेसरा, हे ही में बा। अब हमें करके हॉस्पिटल लेके जाता नहीं। कुड़ेसर मिल गई। अरे बाप रे बाप। अरे मोरे मैया, अब तो किडनियो गई। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन सफल रहा, बस मरीज को होश आ जाए। डॉक्टर साहब, होश आ जाए ना? ईश्वर पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा, टेंशन मत लीजिए। लक्ष्मी, we'll be right back.
प्रणाम माते। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। विजयवा की किडनी पलटे के रहे तो हमार पलट देला। एक एक दिन कह के कितना दिन हो गए हमार रुपया कहिया मिली पैसवा देवा कब। देखी रहुआ लोग थोड़ा सा मोहलत और ही हमके दे दी। हम एक एक पाई चुका थे। चुका दे? अरे भैया कब चुका दे वहां कोनो दिन तारीख धराइल बा कि हवा में चुका देव। देखी हम दिन तारीख बता के रउआ सबके सामने झूठा साबित नहीं होकल। देखी रउआ सब हमनी के खाली एक महीना की मोहलत दे दी। हमनी के सब पैसा चुका देव जा। एक महीना से एको दिन ज्यादा ना होके के चाहिए। जी ठीक बा। एक महीना में बेटा इतना जल्दी पैसा के इंतजाम होई कहां से? होई बाबूजी, हम शहर जाइब, नौकरी करब, पैसा कमाइब और सब उधारी चुका देब। बेटा सुना, सब कुछ ठीक से रख दे ले बानी। खुश रहा बेटा। अपन ख्याल रखिया। अब बेटा समय से खाना खाइया और दवाई ठीक समय पर लेते रहिया। हाँ हमरा रहते ज्यादा चिंता ना करिया बेटा। एक घर द्वार का चीज बा तोहरा से बढ़ के कुछ नहीं खे। अगर कोनो भी दिक्कत होई तो घबराइया जान लौट आइया। हम ही घर द्वार बेच के सारा कर्जा सधा देव। कैसन बात करते नहीं बाबूजी? एक जवान बेटा के होते हुए अगर घर बेचे के पड़े तो दुनिया का कही। रहुआ चिंता मत करी, कैसे कि बाप के लिहल कर्ज बेटा चुकाई, फिर ओकरा बाद ता ये पितृ ऋण से ता अपने आप मुक्ति मिल जाए। आशीर्वाद दी। ध्यान रखियो। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ये मेरा रिज्यूमे है जी। कोई नौकरी मिल सकती है क्या? आइए बात करवाता हूँ। जी आइए सर, ये लीजिए। ये कौन है? नौकरी के लिए आए हैं सर। अच्छा ठीक है,
जाओ, मैं देख लेता हूँ। ओके सर। अच्छे घर के लग रहे हो और पढ़े लिखे भी हो, फिर ये नौकरी क्यों? सर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। अच्छा, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से पिताजी के ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया। बस उसी कर्जे को चुकाने के लिए नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये बैग यहीं रहने दो और तुम मेरे साथ चलो। सुनो बेटा, देखो जितनी गाड़ियां दिख रही हैं सबको धोकर चमका दो, ठीक है? ठीक है, चलो लग जाओ काम पे। पापा। हाँ? ये कौन है? नौकरी पर रखे हैं, पहले देखते हैं कितनी मेहनत करता है, फिर सोचेंगे कौन सा काम देना है। लेकिन दिखने में तो अच्छा है, फिर ये छोटा मोटा काम क्यों? बाद में देखेंगे। चलिए चलते हैं। ठीक है चलो। क्या जी? हाँ। तारा काम हो गया? हाँ, पूरा जैसा आपने कहा था। ठीक है चलिए चलते हैं, और कुछ काम है उधर। जी चलिए। ये जो ईंट दिख रहा है यहां से उठा के वहां रखना है, ठीक है? जब ये सारी ईंट वहां पहुंच जाए, ठीक है, तो मुझे बता देना। हाँ। चलो लग जाओ। आप ये सब करेंगे तो मालिक और मजदूर में अंतर ही क्या रह जाएगा? बात पूछूं तुमसे? बोलिए ना पापा। वो लड़का मेहनती है, लगनशील है और तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। मेरा क्या है, मैं तो हार्ट का मरीज हूँ, कभी भी मेरी जान जा सकती है। क्या पापा, आप ये सब मत बोलिए। बाकी आप देख लीजिए, आपको जैसा सही लगे। मालिक नमस्कार। अरे नमस्कार, बैठो आओ। मैं? अरे बैठो बेटा, बैठो बैठो। देखो बेटा, मैं तुम्हें नौकरी नहीं अपनी पूरी संपत्ति का मालिक बनाना चाहता हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। देखो मैं अपनी नंदनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करके तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। पर क्यों?
अरे बेटा, पहले दो बार मेरी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, बराबर बेटी की चिंता बनी रहती है। मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे ईमानदार आदमी के हाथ में दूँ, जिससे मेरी संपत्ति और बेटी दोनों सुरक्षित रहे, और वो खूबी तुम में है। लेकिन मालिक, उसके लिए मुझको घर पे बात करनी पड़ेगी। बेटा, अगर वो लोग ना कर दें तो? हम ही घर द्वार बेच के सारा कर्जा सधा दे। एक जवान बेटा के होते हुए अगर घर बेचे के पड़े तो दुनिया का कही। रवा सब हमनी के खाली एक महीना की मोहलत दे दी, हमनी के सब पैसा चुका दे जा। हम ही घर द्वार बेच के सारा कर्जा सधा दे। मैं तैयार हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हर मुस्के चावनिया लाग जान लेके जाई। कमाल बाड़ू रानी छलके गलिया से मलाई, कमाल बाड़ू रानी छलके गलिया से मलाई। हंसा तारू ऐसे जैसे बाजे सहनाई, कमाल बाड़ू रानी छलके गलिया से मलाई, कमाल बाड़ू रानी छलके गलिया से मलाई। बेधेला करे जिहाई होठ के ललाई, बोलिया में तो हराबा गजबे मिठाई। ओ बेधेला करे जिहाई होठ के ललाई, बोलिया में तो हराबा गजबे मिठाई। मन करे धन तो हरा सट जाए, मन करे धन तो हरा में सट जाए। कमाल बाड़ू रानी छलके गलिया से मलाई, कमाल बाड़ू रानी छलके गलिया से मलाई। Oh.
लागता फोन में खराब बा। फोन खराब नहीं खे, विजय के हमने के यादें ना आवेला। अरे लक्ष्मी, काम धंधा के चक्कर में याद ना होत होगी। तो हमनी के शहर जाके ओकरा से मिल लेवल जाओ। हाँ, सही कह रहल बाड़ू। जा, सामान तैयार करा। हमरो बेटा से मिले के बड़ा मन करा था। ठीक है। विजय, विजय, हाँ? क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों हो? देखो ना यार, हम बाबूजी को फोन लगा रहे थे, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। हम क्या सोच रहे थे? कि हम गांव चले जाते हैं और बाबूजी का जितना कर्जा उर्जा है ना, वो सब चुका भी देंगे और शादी के लिए उनको यहाँ लेते भी आएंगे। ऐसे भी बिना माँ बाप के आशीर्वाद के शादी अच्छा भी नहीं लगेगा। वैसे बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब एक काम करो, जाते समय ना तुम्हें जितने पैसे चाहिए लेके जाना, और वैसे भी शादी में माँ बाबूजी आएंगे ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। हमको समझ में नहीं आ रहा, हम तुम्हारे इस एहसान का कर्ज कैसे चुकाएंगे? एहसान? इसे एहसान नहीं कहते बुद्धू, बल्कि इसे तकदीर कहते हैं। और तकदीर का फैसला इंसान के नहीं, भगवान के हाथ में होता है, समझे बुद्धू? थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे भैया, कहाँ जात पड़ा? विजय से मिले खातिर। अच्छा अच्छा, ठीक बा। अरे सुनो ना, घर हो तो नहीं देखत रही है। हाँ अच्छा, ठीक बा, पूरा पूरा ख्याल रखब, जाइए। हाँ, चला। सफर मुबारक हो भैया, ध्यान से जाइया। हे भगवान, ईलो के ही सफर अंतिम सफर हो जाए। जय हो कुल देवता। हे बाबू, चचा के मोबाइलिया में ना विजयवा का नंबर हम ब्लॉक कर दे ले। ए बेटा। हाँ बाबू, आजकल तुम्हार दिमाग इतना बढ़िया बढ़िया काम करता, लगा था कि हमरा हार्ट अटैक हो जाएगी। हे बाबू, अब तो हमरा शक होए लागल कि हमरे बेटा हवे कि पटिदारे करे। ना ना बाबू, हम तो हाल लेकर हैं। किया, शाबाश। और सब ठीक है? हमरो सब ठीक है ठाक बा। क्रेशर भैया प्रणाम। खुश रहा। कहाँ हो गए? चाचा चाची मर गए ले लोग। ये तू क्या बात करता रहा? हमरा के नाथ बना के चल गए लोग। ना तो आज फोन नंबर ना कोनो पता, आदमी खोजे तो कहाँ खोजे। ना ऐसा नहीं हो सकत, ना विश्वास है तो पूछ लाए लोग से। जी कुड़ेसर भैया सही कहता रहे। हे विजय, विजय सम्हारा, संभाल अपने आपके। काम हो गए, अब तू लोग निकला। टन टन ए ए तनी पता बताई ना, आगे से दाएं जाना है। हो ही आगे से। हाँ हाँ, आगे से दाएं। हाँ
बढ़िया चलता बाबूजी। ए बेरी लगा था कि अच्छा रिजल्ट आई। भाई अपन ख्याल रखिए, अब बेटा समय से खाना खाइए और दवाई ठीक समय पर लेते रहिए। जब माई बाबूजी ही ना रहल लोग तो हम ही जा रह के का करब। यही से सोचनिया कि भैया उधारी के पैसा देके वहां के पित्र ऋण चुका दी। हम अब का करब पैसा के? कुछ ना, खाली चाचा जी के दे दिया, बोल दिया कि जितना लोग से भी उधार ले ले रहे बाबूजी उस सब के चुका देस। और ही अभी गांव में केहू निखे त फिर हम का करब रह के। हट पगला, अपना के केला काहे समझताड़ा? हम का गैर बानी का? अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं के। तब लेकिन बाहर में भी व्यस्तता बा, काम बा, लेकिन हम काम में से समय निकाल के आवत रहा। अभी आज्ञा दी। खुश रहा। La 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 la. अरे बाप रे, दस की करे के करवाएगा? आयल रहे हाँ और चल गई, और ये पैसा दे ले बा सबके कर्जा सधावे के बा। ओकर परिवार के बारे में का बोल ले? मर गए लोग। देखो बात बताओ, ओकरा विश्वास कैसे हो गई? लोग के पैसा देके सिखावल बात कहवा देनी, ओके विश्वास हो गई। शाबाश। इहे दिन के हमनी के जिंदगी भर से इंतजार रहा। सही कहला। और भैया भौजी के कर्जा भरत 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 पूरा जिंदगी समाप्त। खोला बाबू खोला। देखा नहीं। बहुत बुरा भाई। ई कह रे हमारे समनो तो पैसा भर के दे ले रहे। ये समझ ले बाबू, वो चलाकी में तोहार बाप निकल गई। आयल धन हाथ से निकल गई। भैया
प्रणाम भैया। खुश प्रणाम चाचा। देखा ना, सब मेहनत बेकार हो गई। हमनी के बबुआ से मिले शहर गईनी हसन और बबुआ से भेटो ना भाई। लो कर लो बात, कसम पटीदारे के भैया, तू लोग यहाँ से सोहर गई ला और वहाँ से विजय बाबू गांव में आई ले, और यहाँ गांव वाला के सगरी कर्जा चुका के फिर सोहर चल गई ले। का? हमार विजय आई रहे? हाँ चाची, सही कहा था नी। तोहनी के प्रति ओकरा मन में नफरत बा। नफरत रही का है ना, उनकरा के पाल पोस के आदमी जवान कर देहलस ता। ओकरा हमनी के प्रति नफरत हो गई बा, बाकी हमनी के प्यार बनल रही। सवार ए हमार बेटा, ते त हमरो से ऊपर चल गई ले हा। का कहले? भरामी, मतलब भरामी। हम ना तू बड़ा बाबूजी। नारायण 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 नारायण। महाराज, जब कोई आपकी आराधना करता है और याचना करता है तो उसके जीवन में ये कष्ट क्यों? नारद जी, ये जीवन लीला है जो ब्रह्मा जी के द्वारा लिखित है। लिखावट के कारण ही मानव जीवन में सुख दुख का स्रोत है। इसी कारण ना कोई किसी की मदद करता है और ना उस मदद का भागीदार बनता है। पर उसके ऊपर तो छठी माँ का आशीर्वाद बरकरार है। नारायण नारायण। ये आशीर्वाद छठी माई का है। समस्या आने के बाद निदान भी निकल जाता है। नारायण नारायण। अरे लक्ष्मी लक्ष्मी, अरे का भाई का भाई, आओ बेटा। कितना बेर कहानी, जब तबीयत ठीक नहीं खे रहा तो काम कैला के का जरूरत बा? काम ना करी तो कैसे चली जी? छठी मैया के पर्व भी करीब बा, ऐसे सब तैयारी करे के बा। अरे जब तबीयत ठीक ना रही तो व्रत कैसे करबू? हमरा बेटा के भकौती बा, हम मरत दम तक करब। कितना अच्छा होई अपन बबुआ घरे आ जैतन, तो हमनी के साथे छठ माई के पूजा देख के उनकरा अंदर भी संस्कार संस्कृति जिंदा रहे। हमनी के ऐसन भाग्य कहाँ बा? देखा तो दुखी मत होखा, छठी मैया कोनो ना कोनो रास्ता जरूर निकली, भरोसा रखा तू। ऐसा चक्कर चलाई कि छठी माता की भी देख के दिमाग चकरा जाए। अरे कैसन बात कर करे, ते बकलोले रहे, धीरे बोल, दीवार के भी कान होला, केहू सुन जाई तो हमनी के बारे में का कही? का कही? ई लोग के आसरा लगावल बेकार बा। अरे मेरा मोबाइल कहाँ है? सुनती हो? हाँ। ये इतना सुंदर चित्र कौन बनाया है? चित्र पता नहीं, कुछ कर तो रही थी आयुषी। ये आयुषी बनाई है?
हमारी आयुषी ने बनाया है। अरे वाह विजय, अब जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेके जाइए। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी। हाँ, मैं कल ही उसको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी लड़की जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हे भगवान, हमारी बच्ची को ठीक कर दीजिए। बच्ची तो एकदम स्वस्थ है, पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर बच्ची ने चित्र बनाया कैसे। मैं भी यही सोच रहा डॉक्टर साहब, कि जो बच्ची बोल नहीं सकती, जो कुछ समझ नहीं सकती, मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि उसने ये चित्र बनाया कैसे। आप कहाँ से हैं? मैं तो बिहार से हूँ। मैं भी बिहार से हूँ, और ये चित्र छठी माँ के व्रत का है जी। इसे दैविक चमत्कार ही कहेंगे। जो बच्ची कुछ बोल नहीं सकती, समझ नहीं सकती, उसने ये चित्र बना दिया। ये चित्र अपने आप नहीं बना, उससे बनवाया गया है। पर डॉक्टर साहब, कौन बनवाएगा ये चित्र? छठी माता। वैसे डॉक्टर साहब, मेरे माता पिता तो नहीं हैं, लेकिन मेरा जन्म भी छठ माँ का ही एक चमत्कार है। अब आपको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। मेरी बात मानिए, आप अपने पैतृक स्थान पे जाइए और जाकर पूजा कीजिए, जरूर चमत्कार होगा। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी तो दूसरे शहर की है। तो क्या हुआ, ये व्रत किसी सरहदों का मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया माँ को पूजती है। जी डॉक्टर साहब, मैं जरूर अपने गांव जाऊंगा, और इसी बहाने अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। डॉक्टर ने, हमारी आयुषी बोल नहीं पाती, पर इतनी प्यारी चित्र कैसे बनाती है? वो सारे चित्र छठ पर्व के हैं, और ये वही पर्व है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। तुम सीधे ये क्यों नहीं कहते तुम्हारा गांव जाने का मन कर रहा है? मैं जानता हूँ कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए, और वो भी ऐसी संस्कृति जिसका चमत्कार पूरी दुनिया जानती हो। चलो बेटा। विजय, नारायण 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 नारायण, आप जीत गए कुल देवता। वो कैसे? जिस व्रत से सब कुछ हुआ, अब उस व्रत का अनुष्ठान नहीं हो सकता। नारायण नारायण। नारद जी, वो ब्रह्मा जी की पुत्री है और सूर्य की बहन है। जहाँ से मानव अंत की सोचता है, वहीं से शुरुआत होती है। फिर देखते हैं छठी माँ का ये नया शुरुआत कैसे होता है। नारायण नारायण। विजय, क्या ये देखो? ये क्या है? अरे खुद ही देख लो ना। कहाँ जाने का टिकट? I seriously love you. I love you too. चांदी के रुपया आसमानवा लुटावे, चांदनी लुटावे ली अंजोर हो। चल रे बटोहिया
देखाई तो के गौआ कि जहाँ बसेला मन मोर हो कहो भैया हो बदरा में चमके बिजुरिया सावन के बदरा में चमके बिजुरिया रिमझिम बरसे फुहार हो भादो के बरखा में धरती सुहागिन करेली सुर हो सिंगार हो भादो के बरखा में धरती सुहागिन करेली सुरहो सिंगार हो रही रही बहे मस्त पागल पुरवैया रही रही बलिया के चुम पतैया हो रही रही बहे मस्त पागल पुरवैया रही रही बलिया के चुम पतैया दाना दाना में मोती जड़ल बा दाना दाना में मोती जड़ल बा कि दर्शन दे भगवान हो भादो के बरखा में धरती सुहागिन करली सुर हो सिंगार भादो के बरखा में धरती सुहागिन करली सुर हो सिंगार हो के हमरी बारीत पुरानी पिपरा पूजा लई हवा गईयो पुजाली हो गौआ के हमरी बारीत पुरानी पिपरा पूजा लई हवा गईयो पुजाली दादी सुनावे तनी अपन ध्यान रखा भाई बेटा हमार बेटा कैसन मा बेटा खुश रहा जी है तेरा खुश रहा खुश रहा ये आपके बहू और ये आपके पोती ब्याह भी कर लेला पिता भी बन गईला हमने के कितना भागा माई बाप बानी सन कि हमने के पता भी ना चला अरे नाना बाबूजी हम गांव में आयल रनिया लेकिन कुड़ेश्वर भी हमरा से कहले कि रे वो सब जिंदा नहीं की
अरे बेटा, ऊ लोग के बस चले तो ऊ लोग कब के हमने के मार दे ले रही। वो सब छोड़, तू पहले ये बतावा हमार पोती के नाम का बा। बेटा कहा नाम है बेटा तुम्हार? बाबूजी ये बोल नहीं पाती। बाबूजी बोल ना सकेले। अच्छा कहला कि आ कहला, हमने के दोनों व्यक्ति तार रात देखत रहनी। अच्छा आज तक ले तार माई तोहरा मनौती के छठ पूजा करत रहली, लेकिन अब हमार पतोह करी है हमारा पोती खाती। चल आवा। हे भगवान, ऐसा लड़का पैदा करे से अच्छा बिना लड़का के रहती। हे भगवान, हे भगवान, उठा ला भगवान, हमरा के उठा ला, हम नहीं रहब, हमरा को उठा ला भगवान, हमरा को उठा ला। ए तू मसाज करत हुआ का? ए बेटा, तोहरे जैसन लड़का पैदा करके हम दुनिया के सबसे बड़ा गलत काम कर देनी, यही खातिर हम मरल चाहत। हम तोहरा से शादी करके फंस गई नी। ए भगवान, तू काहे चिल्लात पड़ू? अरे तू तो घर के लक्ष्मी हो, तू हमार देवी हो, देवी। ए बेटा। जी बाबूजी। अब दिमाग लगौले से ही काम चली। हाँ। ओकर व्रत के नष्ट कर दिया जाए, कुछ भी करके। जी बाबूजी। ओकर पतोहू के व्रत पूरा ना होके के चाही, ना होके के चाही कुड़े सर, छठ व्रत पूरा ना होके के चाही। एकदम न हुई बाबूजी, बस बता दे हमके का करे के हुई। करे के काबा बेटा? ए बेटा, उ सारी लड़की है। हाँ। ओकरा का पता ई तीज त्योहार और छठ का होला? एकदम सही कहा था हुआ। ओकरे पास जाके ओकरा के सब कुछ उल्टा पुल्टा बता दिया बेटा। ओकरे बाद देखिया छठी माई के कृपा। पूत मांगे गईनी, अब भतरो गवैनी। का बेटा? पुतुआ मांगे गईनी, अब भतरो गवैनी। पुतुआ मांगे गईनी, भतरो गवैनी। कहाँ गई? हाँ बाबूजी, दे दे। ऐसन समझदारी के पाठ पढ़ाई कि तू जरूर अपन बेटवा के समझदारी के दाद देबा। ए चचा। हाँ? चाची चाचा नन लौकत हुवन? भैया बाबूजी और माँ जी बाहर गए हैं। कौनो बात नहीं खे, तू तो हौ सहरी लेकी, छठ गांव देहात के चीज बा, तू कैसे करबू? उसमें क्या है, माँ जी से पूछ लूंगी। अरे काहे चाची के तकलीफ देवे के, हम पंडित जी से पूछ के आयल बानी ना। हाँ तो क्या कहा पंडित जी ने? यह कि नहा के दाल रोटी खा लिया, व्रत है ये हौ, बाकी एक एक घंटा में पानी जरूर पियत रही है। बाकी चाची तो के बता दी हैं, लेकिन पंडित जी वाली बात जरूर याद रखिया। ठीक है। छठ व्रत करने की संपूर्ण विधि। बाबूजी, ए बाबूजी, बाबूजी, एको खुशखबरी लेके आयल बानी। खुशखबरी? हाँ। का बेटा? पहली बार इतना बड़ा काम इतना बढ़िया ढंग से कर ले बानी। बता दे। बता दे। नहीं बता दे रे, बताइबे की? बताओ तानी, बताओ तानी। का बेटा? हम ना बाबूजी, चाचा चाची के पतों के सब अंड का बंड समझा देले है। का समझौले बेटा? बता दे बेटा, सवाल बता। रसिया और रोटी के जगह पे दाल रोटी खाए के बा। हाँ। और नहा के पूजा करे के बा। सवाल सवाल।
हाँ बाबू, आज हम सीना ठोक के कह सकीले कि हमार बेटा गधा ना है, बकलोल ना है, हमार सग्गा बेटा है। जी अब बेटा, ए बेटा, नीचे आओ। Thank you.
ये हमनी के पैतृक मंदिर है। हाँ बहुरिया, छठ पर्व कैला के बाद यहाँ पे दर्शन जरूर कैल जाला। हमनी के इहे रिवाज बा। हाँ माँ जी, बस भगवान से यही मन्नत मांगती हूँ, मेरी बच्ची की आवाज आ जाए। जरूर आई। हाँ हाँ। जय जय।
चला। छठ के व्रत हमनी के काले नहीं जा, लेकिन छठ के कथा का बा हमके पता है ना चलन। देखा बेटा, छठी मैया के सबसे पहला पूजा राजा प्रियवंत कैले रहले संतान प्राप्ति खातिर। और ओकरा बाद भगवान राम जी जब रावण के वध करके आईनी तो अयोध्या में सीता मैया के साथ में छठ मैया के व्रत कईनी। और तीसरा पूजा
प्रणाम माते। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। आई